लो जी आनंद आ गया अब तो। अब बस इसका ढक्कन लगाना है, ढक्कन ला रहे हैं, और लास्ट में लगा देना है इस पर स्टिकर। और इसकी कॉस्टिंग बता देता हूँ कितनी सी आई है, थोड़ी सी आई है। थोड़ी सी का मतलब बिल्कुल थोड़ी सी आई है, आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ तक तो पानी है, और जब यहाँ तक पानी है तो जो माल डाला उसकी तो थोड़ी सी होगी कीमत MLC फायर। तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे कंपाउंड। जी कहाँ से आए आप? हम नेपाल से सर। नेपाल से आप कितने बजे आ गए थे? सुबह सुबह ही आ गए थे, सुबह सुबह 8 बजे। ये देसी मशीन दिखा रहा हूँ, देखो ये फिनाइल अभी बनाई थी, और कोई भी मशीन की आवश्यकता नहीं है। लोगों के बहकावे में मत आना। देखो कितनी ज़बरदस्त चल रहा है, देखो दिखाता हूँ, देखो भर गया, देखो। नमस्कार, स्वागत है काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट में, मैं आपका साथी योगेंद्र चौधरी। पूरा पानी है, और ये हमारा जो डंडा और पानी का जो सिस्टम है ना, वो पूरे देश में ही नहीं पूरे विदेश में भी फैल रहा है। आपने देखे होंगे कितने सारे लोग अभी यहाँ आके डंडे से और पानी से और किस तरीके से सीख के गए और डंडा हिला के गए। अफगानिस्तान से आए थे, एक सऊदी अरब से आए थे, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है। अब ये कहाँ से आए इनसे पूछूंगा, ये आए नेपाल से, बात करवाऊंगा। लेकिन अभी मैं क्या बना रहा हूँ वो दिखा देता हूँ मैं आपके लिए। मैं बना रहा हूँ फिनाइल, बिल्कुल दूध के जैसी जबरदस्त फिनाइल बना रहा हूँ, और 250 लीटर का बैच बना रहा हूँ, जिसमें देखो यहाँ तक तो पानी है, यहाँ तक पानी है, लगभग पूरा ही पानी है कह सकते हैं। और पानी से पैसा कमा रहे हैं, पानी बड़ा अनमोल है और जल ही जीवन है। यहाँ ये अब हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इस पानी से पता नहीं कितने लोगों के रोजगार जुड़े हुए हैं, इस पानी से कितने लोगों की जिंदगियाँ संभल रही हैं। और किस चीज़ से बनाएंगे, बस दो चीज़ें हैं फिनाइल बनाने के लिए, केवल दो चीज़ों की आवश्यकता होगी हमें। सबसे पहले दिखा देता हूँ, ये पाइन ऑयल है, जो खुशबू आती है ना आपके घरों में फिनाइल की जो आती है, वो इसी की खुशबू आती है। और ये 32% का है, प्योर है। और ये दूसरा केमिकल है MLC फायर। कितना कितना है पहले वो दिखा देता हूँ। देखो पाइन ऑयल की बात करें तो हमने पाइन ऑयल लिया है 7 किलो, यानी कि 7.5 किलो इसमें टोटल वेट है, और 500-600 ग्राम की तो ये बाल्टी है। और दूसरा लिया है MLC फायर, जिसका टोटल वजन 3.5 किलो है, 500 ग्राम की बाल्टी है। तो दोनों को मिला के हम बनाएंगे एक कंपाउंड। जब कंपाउंड बन जाएगा तो बस हमें फिर क्या करना है, पूरे पानी के साथ इसको मेल मिला देना है, अच्छे से मिला देना है। और जब तक थोड़ा सा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट लगातार आपको पता ही है कि कितने सारे जिलों में काम कर रहा है, पूरे देश भर में काम कर रहा है। हर संडे के संडे यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं, काम सीखते हैं, ट्रेनिंग होती है हमारे यहाँ। और अब तक हमने 25 से 30 हज़ार लोगों को ट्रेनिंग दे दी है देश भर में लोगों को, जिसमें बहुत सारे लोगों ने, यानी कि आधे से ज़्यादा लोगों से लोगों ने अपने काम शुरू किए हैं। अब आप सोचो कि एक घर में कोई भी अपना रोजगार शुरू करता है तो 10-5 लोगों को तो वो रोजगार देगा ही देगा। 3100 रुपये की हमारी फीस होती है, जिसमें आपको आप ही के खर्चे पे वो खर्च होती है, जिसमें आपका खाना नाश्ता भी है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी है, बुकलेट भी है, और 10 प्रोडक्ट की बारी बारी पूरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। सुबह 9:30 बजे शुरू हो जाती है और शाम को 5-6 बज जाते हैं, और रात को रुकने की व्यवस्था भी उसी में हम लोग अलग से देते हैं, यानी कि हमारी तरफ से वो फ्री रहती है, कोई पैसा नहीं देना। कहने का मतलब है 500 रुपये सीट बुकिंग का होता है, बाकी 2600 आपको यहाँ आने के बाद देना है कह सकते हैं। बात करवा रहे हैं अभी तो इसको बनाएंगे। जी कहाँ से आए आप? हम नेपाल से सर। नेपाल से आप कितने बजे आ गए थे? सुबह सुबह ही आ गए थे, सुबह सुबह 8 बजे। कब चले थे नेपाल से आप? कल सर। कल सुबह? जी कल सुबह चला था। कल सुबह चले थे, आपका फोन आया था जी। और आपको अब पानी से और डंडे से अब माल बनाना है, फिनाइल बनाना है जी सर। अच्छा नेपाल में आप कहाँ रहते हैं? नेपाल में सुर्खेत में रहता हूँ। सुर्खेत? सुर्खेत जिला। किस किस साइड में पड़ता है? नेपालगंज के बाजू में, बॉर्डर साइड में। गोपालगंज के बाद? नेपालगंज। नेपालगंज, चलो मैं तो ज़्यादा जानता नहीं हूँ नेपाल, नेपाल में, क्योंकि मैं जनकपुरी गया था, जनकपुर धाम, उससे कितना दूर है? थोड़ा दूरी है। थोड़ा दूरी है, ठीक है, वहाँ तक तो मैं गया हूँ। अच्छा आपको अब आनंद आएगा पानी में, देखो पूरा पानी है, कोई मशीन है? नहीं नहीं, कोई ऐसा लग रहा है कि कोई मशीन है इसमें यहाँ से वहाँ तक किसी भी तरीके से? नहीं सर, बिना मशीनों के ही बना रहे हैं, डंडे से और पानी से बना रहे हैं, और आप भी बनाएंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बना लोगे? हाँ, चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं।
सबसे पहले तो देखो कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि कंपाउंड पहले बनाया जाता है फिनाइल बनाने से पहले। मैं आपको देखो सारी सच्चाई बताता हूँ, कुछ भी झूठ नहीं है। 7 किलो हमारा जो है पाइन ऑयल है, इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे। आओ देखो 7 किलो है, और इसमें हम मिलाएंगे 3 किलो जो है एमल्सीफायर, इसको मिला दो इसमें, रख दो, हाँ उसी पे रख दो। इधर दिखाओ, 3 किलो क्या मिलाएंगे, एमल्सीफायर। तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे कंपाउंड, और जब ये कंपाउंड बन जाए तो इसको बहुत अच्छे तरीके से हमें मथना है, अच्छी तरीके से हमें इसको डाइल्यूट करना है, वो बहुत ज़रूरी है। अब कैसे मिलाएंगे वो चीज़ आपके लिए अभी बताने जा रहा हूँ। अब डंडे से मिला लो चाहे किसी से भी मिला लो। अब देखो ये थोड़ा थोड़ा ये गाद जैसी इसमें हो गई है, लेकिन अभी क्या करेंगे हम इसको प्रॉपर मिक्स करेंगे। देखिए इसमें जब आप ऐसे डंडा दोगे ना तो ये बहुत अच्छी तरीके से प्यार से इसको मिलाना है, और जितना इसको अच्छे से मिलाएंगे उतना ही अच्छा आपका कंसंट्रेट तैयार होगा और आपका कंपाउंड तैयार होगा। जब तक आप मिलाओ कुछ और दिखा देता हूँ, आप इसको थोड़ा देर घोलो, और चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए आपको कुछ नहीं करना, रेडीमेड बोतल आती है मार्केट में, बस अपने नाम का स्टिकर लगाना है और बन जाना है अपना खुद का मालिक। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, 10 से 5 हज़ार के इन्वेस्टमेंट में शुरू हो जाता है। जैसे आप डिश वॉश बनाना चाहें या पूरे जो भी 10 प्रोडक्ट हैं वो सब बनाना चाहें, बहुत ही शानदार क्वालिटी हम लोग बना रहे हैं। कहने का मतलब है इस पेटी में देख सकते हैं ये सारी पैकिंग डिश वॉश की हो रखी है। और बता देता हूं मैं आपके लिए, जैसे ये टॉयलेट क्लीनर है, ये सारा आपको बिना मशीनों के बनाया हमने, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत शानदार चीज है। और इसमें अगर इसकी क्वालिटी की बात करूं तो मैं कहीं इसको आपको डाल के दिखा देता हूं थोड़ा सा। इधर देखिए इसकी थिकनेस दिखा देता हूं, कितना जबरदस्त गाढ़ा है, देखिए कितना गाढ़ा है, देखो बहुत ही जबरदस्त गाढ़ा और प्यारा टॉयलेट क्लीनर है। कोई भी मशीन नहीं चाहिए, अगर आप सर्फ बना रहे हो तो सर्फ बनाने के लिए ये केज मिल है, ये हमारी केज मिल मशीन है। इसमें आप एक दिन में 3,000 किलो माल छान सकते हैं, वो भी बिना मेहनत के ज़्यादा, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अब ये फिनाइल वगैरह पैक हो रही है इनमें, पेटी तो किसी और की है, ठेके से लाते हैं क्योंकि हमें बहुत सस्ती पड़ जाती है। इनमें फिनाइल वगैरह है, जैसे दिखा देता हूँ, जैसे ये फिनाइल है जो हम अब बना रहे हैं वो यही इसमें पैक है। और जानकारी के लिए बता दूं, आ जाओ, एक ही छत के नीचे आपको सारे रॉ मटेरियल, पैकिंग पाउच, रॉ मटेरियल, स्टिकर, बोतल, आपको सब मिल जाएगा। बड़ी कैन में चाहिए बड़ी कैन में मिल जाएगा, बड़े ड्रम में चाहिए बड़े ड्रम में मिल जाएगा, छोटी कैन में चाहिए छोटी कैन मिल जाएगा। ऐसे ये आप पाउडर जितने भी फॉर्म में आते हैं वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और आपको अगर पाउच वगैरह चाहिए अलग अलग, जैसे ये हमारे खुद के पाउच हैं इस तरीके से बन के आते हैं, आपको ये नाम में भी आप ले सकते हैं और अपने नाम को भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरीके से हमारे पाउच बन के आते हैं, अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और दिखा देता हूँ, ये सारी वैरायटी आपको मिलेंगी, जैसे ये 10 वाला पाउच है, 3 किलो, 1 किलो, आधा किलो या जो भी चाहिए सब मिलेंगे। सारा देख सकते हैं पाउच भरा पड़ा है, स्टिकर से लेके सब कुछ है। एक किट भी तैयार करवाता हूँ मैं, जैसे ये सारे जितने भी हमारे रॉ मटेरियल हैं सारे 10-10, 5-5 किलो इसमें आपके बनेंगे। 1500 रुपये की किट होती है, ये 1500 रुपये की किट होती है जिसमें सारे जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं वो सारे इस किट के अंदर होते हैं। इससे क्या होगा कि आप बड़ी रिस्क लेने से अच्छा है कि छोटी रिस्क ले सकते हैं और आप इसको बना सकते हैं, सारे प्रोडक्ट 10-10, 5-5 किलो बनेंगे। हमारा लक्ष्य 2025 तक, देखो ये किसी पार्टी का जा रहा है, डिंग केयर, ये एक डिंग केयर पार्टी हमारी बदायूं से, उनका माल छप के आया था। चलिए अभी कंपाउंड बन गया है, और कंपाउंड बन गया है देखो, अब दिखा देता हूँ कंपाउंड को, मैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रहा हूँ। कंपाउंड अब बन गया है, हटा लो, अब देखो कंपाउंड बनकर तैयार है। अब क्या करना है आपको, वो चीज़ देखने वाली बात है।
अब कुछ नहीं करना आपको, इसको आप गलती मत करना, इसको पानी में मत मिलाना, पानी को इसमें मिलाना है। कैसे मिलाना है वो दिखा देते हैं। देखिए मग लाना, मग सबसे पहले कंपाउंड में पानी मिलाएंगे। देखो सबसे पहले कंपाउंड में क्या मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे। अब देख सकते हैं कितनी जबरदस्त लाजवाब चीज बनने वाली है। देखो अब देखो इसको भी आप डंडे से मिलाना चाहें डंडे से मिला देना, हाथ से मिलाना चाहें तो हाथ से मिला देना। मैं तो आपको हाथ से मिला के बता रहा हूं, आप डंडे से मिला देना। लोगों के कमेंट आते हैं जी मास्क लगा लिया करो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखो हमें तो ये आदत सी बन गई है। अब भगवान के ऊपर है जो कितनी देर और बची है। देखो बहुत गाढ़ा हो गया है, देखो ये बन रही है जी अच्छी वाली क्वालिटी, बिल्कुल जबरदस्त। जब तक आप इसको अच्छे से दही की तरह लस्सी की तरह मथेंगे नहीं ना, तब तक ये उस क्वालिटी को उसमें मैच नहीं करेगी, सेपरेशन आ जाएगा और बहुत अच्छा सेपरेशन आ जाएगा। दूध दूध अलग, पानी पानी अलग। लोगों की शिकायतें रहती है जी कभी कभी, वो नए लोगों की रहती है, जो ट्रेनिंग लेके जाता है उनकी नहीं रहती है, उनको तो हम खुद बताते हैं। देखिए जब तक आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे प्रॉपर अच्छे से, तब तक आपको मजा नहीं आएगा। और वैसे भी 8 मिनट की वीडियो में हम 8 घंटे का ज्ञान कहाँ से दे देंगे, ये भी सोचो। देखिए अब अच्छे से मिल गया है, और देखो दही की तरह ये देखो कितना गाढ़ा हो गया है, पूरा दही की तरह गाढ़ा हो गया है। देखो अब इसको प्रॉपर क्या करना है, पूरे ड्रम में डाल देना है। देखिए बहुत मजा आने वाला लगा गया। लो जी आनंद आ गया अब तो। मिलाओ डंडा, पानी और डंडा और पैसा। आनंद तो जब आता है, जब हमारे देश से तो आते हैं लेकिन विदेश से भी आते हैं डंडा हिलाने, बहुत मजा आता है। और ये अच्छी बात है कि देखो साक्षात दर्शन होते हैं डंडे के भी, ये बड़ी बात है। और हमारे डंडे में तो बहुत बड़ा जादू है, जो देश भर के लोग विदेश के भी लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। डंडे में जादू है ना, है, है। देखो आनंद वाला काम हो रहा है, कुछ भी नहीं है, सारा खेल पानी का है और पानी को समझना है। बड़ी बड़ी कंपनियां आपको पता ही है कितना लूट मचा रखी है, और उस लूट से हमें अपने देश को भी बचाना है और अपने लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होना है। इससे हमें 5 लाख रोजगार पैदा करने हैं 2025 तक, उसकी कड़ी में हम बहुत लगातार काम कर रहे हैं। हर संडे हमने ट्रेनिंग तो देते ही देते हैं, और इसके अलावा जो है हमने आत्मनिर्भर भारत यात्रा आपने देखी होगी कैसे निकाली थी, पूरे देश भर में हमने लाखों लोगों को प्रमोट किया था, लाखों लोगों ने हमारा सपोर्ट भी किया था। और अब हमारा अगला जो लक्ष्य है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग हमारी ब्रांचेस खुलेंगी, और बड़े आनंद के साथ में हम देश में अलग अलग जगहों पे ट्रेनिंग भी देंगे, कच्चा माल भी देंगे, और अपना खुद का प्रोडक्शन तो है ही है। सारे जो प्रोडक्ट हमारे बनते हैं वो सारे प्रोडक्ट कम से कम लागत में कम से कम कीमत पे आम जनता तक पहुँचेंगे, ये बहुत जल्दी आने वाला कॉन्सेप्ट है हमारा। और तब तक आनंद बनाए रखें, और इसको पैकिंग करने का एक जुगाड़ बता देता हूँ, एक बोतल लेंगे साहब, इसको पैक कैसे करते हैं वो भी दिखाऊंगा। आनंद आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही मशीन की और डंडे में, कोई ज़्यादा अंतर तो नहीं है? लोगों को लगता है कि मशीन से ही बनेगी भैया अब तो ये, और मशीन से बनेगी तो फिर उनकी मशीन बिकेंगी, ये तो है, लेकिन हमारे पास तो मशीन है ही नहीं, बेचेंगे कहाँ से? हमारे पास तो साक्षात डंडे के दर्शन हमारे यहीं, और यही हम लोग बनाते हैं और यही लोग हम करते हैं। अब देखो ऐसी बोतल आती है, आती है प्लास्टिक की तो है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, है रेडीमेड मिलता है ना? हाँ सब रेडीमेड है, ढक्कन नहीं है।
कुछ ना है, डुबोना है, बड़े प्यार से डुबोना है। भर गई। अब एक बात बताओ, कितनी वाइटनेस है इसके अंदर, बिल्कुल दूध की तरह। देखो देखो, ऐसे दिखा दूं, बिल्कुल दूध की तरह। अब बस इसका ढक्कन लगाना है, ढक्कन ला रहे हैं, और लास्ट में लगा देना है इस पर स्टिकर। और इसकी कॉस्टिंग बता देता हूँ कितनी सी आई है, थोड़ी सी आई है। थोड़ी सी का मतलब बिल्कुल थोड़ी सी आई है। आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ तक तो पानी है, और जब यहाँ तक पानी है तो जो माल डाला उसकी तो थोड़ी सी होगी कीमत। तो इसलिए आपको कहीं ऐसी घबराने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही ऐसी कोई समस्या। बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया। लो जी, अब ये लॉक हो गया, हो गया लॉक। लाओ पैसा। हो गया जी पूरा काम। बस उस पर स्टिकर लगाना, कुछ नहीं करना, स्टिकर की जगह इसमें है ये। अब देखो, वीडियो को आप शेयर जरूर कर देना, क्योंकि हम आपसे निवेदन करते हैं। और इसलिए कर देना क्योंकि देखो, पसीना आता है, टाइम जाता है, दूर दूर से लोग आते हैं, उनको हम काम करके दिखाते हैं। देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि इसको बस वीडियो बनाने के लिए शूट किया, ये तो आप भी जानते हैं, क्योंकि हमारा तो खुद का माल है, प्रोडक्शन होता है, हम लोग माल बनाते हैं, बेचते हैं, सब कुछ वही है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँचे, क्योंकि हमें 5 लाख रोज़गार पैदा करने हैं। ये काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसमें प्रॉफिटेबल ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं है, और जो भी हम फीस लेते हैं वो आप ही के ऊपर खर्चा करते हैं। ये चीज़ है। अब ये नेपाल से आए, अब इनको क्या रोकने की व्यवस्था नहीं होगी? अभी तो ट्रेनिंग, तो अभी कब है, आज क्या वार है, पता नहीं कौन सा वार है। आज पता नहीं कौन सा वार है, चले आए नेपाल से। आज है शुक्रवार, कल है शनिवार, और परसों है ऐतवार। ऐतवार नहीं करना, प्यार करना। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी व्यवस्था है इनकी, हम आपके लिए, इनके लिए बने रहेंगे, सबके लिए बने रहेंगे। चलिए, ऐसे ही डंडा हिलाते रहिए और आनंद लेते रहिए, और आनंद के साथ में हमें आशीर्वाद भी देते रहिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।